कभी कभी जिंदगी में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम वो डिजर्व नहीं करते। गीजर के बाद भी इतना ठंडा पानी आ रहा है, गीजर से गर्म होने के बाद भी पानी इतना ठंडा है कि इसमें हाथ नहीं डाला जा रहा। तो भाई सब देखते हैं, तैयार होते हैं, वो हाथ धोएंगे, प्रेस करेंगे, निकलते हैं और सीधे माल रोड पर चलते हैं। माल रोड घूमेंगे आज गाइस, और कल चलेंगे, देखो कल कहाँ चलते हैं, कल चलेंगे मनाली से ऊपर की तरफ। तो चलो गाइस मिलते हैं, रेडी हो जाएंगे फिर मिलते हैं। बहुत खतरनाक व्यू आ रहा है, मतलब बादल हो रहे हैं, कभी कुछ भी हो सकता है 10-15 मिनट में भी और भी आधे घंटे में भी बादल के हिसाब से। अभी जब वहाँ बर्फ़ दिख रही थी वहाँ पर बहुत तकड़े बादल थे, मतलब ये लग रहा है वहाँ पर स्नो पड़ी है रात में, और वहाँ से आके यहाँ आ गए, अब अपने ऊपर हैं, यहाँ देखते हैं कितना टाइम लगा, कितने टाइम में स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सामने धूप निकलने वाली है थोड़ी देर में जस्ट, तो गाइस स्नो फॉल की संभावना भी ख़त्म, मतलब वेदर और कहीं पड़ने वाली होगी या क्या, मौसम क्लियर होने वाला है। सामने सूरज आ गया और बादल बहुत हल्के हो गए, और कहीं मतलब कहीं तो पड़ेगी, जहाँ भी पड़ेगी देखते हैं कहाँ पड़ेगी। अब प्लान में चेंजेस आ सकता है कुछ भी, अभी तो हम पहले अपना चेकआउट करते हैं होटल, फिर उसके बाद दूसरे होटल में एंट्री लेते हैं, मतलब स्टे करेंगे दूसरे होटल में, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे अपना सामान वगैरह सब चीज़ रख के, और फिर देखते हैं कहाँ, उनसे पूछेंगे कहाँ से स्नोफॉल हो रही है, वो बताएंगे हमें फ़ोन करके। तो गाइस हम चल रहे हैं अटल टनल, क्योंकि टनल इसलिए वहाँ पे बर्फ़ पड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो चलो भाई चलते हैं, बर्फ़ पड़ेगी वहाँ पे, तो देखते हैं स्नोफॉल हमें कहाँ मिलती है कहाँ नहीं। तो भाई मज़ा आ जाएगा अगर, और देखना सामने ये वेदर, मनाली के अंदर तो इतनी तेज़ धूप निकल रही है, मुझे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे स्नो पड़ भी सकती है, लेकिन मौसम का कुछ नहीं पता। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, मेरा नाम अनुराग सिंह, अगर आप सभी मेरे को जानते हो, अगर नहीं जानते तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन, आप सभी मेरे को जान जाओगे। तो गाइस ये है गार्डन, गार्डन बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, सब बैठने की जगह है, नदी रिवर साइड से निकल रही है इस गार्डन में। वही रोड है ना जो पार्क वाली रोड है ना, वही सीधी जाएगी ना, हाँ तो वो तो देखा हुआ, ठीक है थैंक यू। हमारे साथ पोपट हो चुका है क्या, कि ये जिस रोड से हम आए थे हम वहां से ही हमें वापस जाना है दोबारा, क्यों ये यहाँ से हमें लौटा दिया भाई, कि नहीं तुम इधर से नहीं जा सकते अटल टनल, तुम्हें इधर से जाना पड़ेगा घूम के। तो भाई अब हम घूम के जा रहे हैं, हम इस रूट को ले रहे हैं अटल टनल के लिए, और बहुत खतरनाक रूट है। अबे निकल जाएगी गाइस, यहाँ के रूट बहुत छोटे हैं, गाड़ियाँ दो फंस जाती हैं सिंगल ही है? हाँ अटल टनल के लिए ये रूट बंद कर दिया है, नई रूट नया नहीं पता, बट मैं नीचे से लौट के आ रहा हूँ। हाँ ठीक है आप पूछ लेना, यही नीचे पुलिस लगी हुई है मेरी। ओ गाइस बर्फ पड़ी मिल चुकी है, बर्फ मिल गई, कई इन्होंने लागत ना डाली। ओ गाइस ये भी है बर्फ,
पीछे देखनी स्टार्ट हो गई स्नोफॉल, तो जो भाई साहब अगर इस रोड पे स्नो पड़ गई ना तो गाड़ी टस से मच नहीं हो सकती, चल ही नहीं पाएगी गाड़ी पे। टर्न इतने इतना टर्न है, कोई लिमिट ही नहीं है। ये नई रोड हम एक्सप्लोर कर रहे हैं गाइस, ये है व्हाइट आइस, ये है आइस, लेकिन यहाँ पर स्लिप हो गई गाड़ी तो व्हाइट, अरे व्हाइट आइस कह रहा हूँ, ब्लैक आइस, सॉरी ब्लैक आइस थी ये पीछे। बहुत लंबा जाम है लाइस, बहुत लंबा, पता नहीं क्या हो गया, क्यों ट्रैफिक लगा हुआ है, आई डोंट नो गाइस। तो गाइस पता नहीं क्यों ट्रैफिक लगा हुआ है, और देखते हैं, चलो चलते हैं, ये मास्क उतार देते हैं हम, यहाँ जरूरत नहीं है मास्क की ऑन रोड। जाम देखो गाइस कितना भयंकर जाम लग रहा है। तो गाइस हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस है वो बहुत ज्यादा स्टिक है, बहुत ज्यादा गाइस, देख रहे हो जाम, तो इसलिए मास्क वगैरह पहन के रखना। हमने यहाँ उतारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस चीज का जाम है, अटल टनल तक हमें पहुंचने दिया भी जाएगा नहीं, कहीं हम ऐसे ही इधर उधर घूमते रहे और हमारे रूम के पैसे भी खराब जाए कहीं। देखें हमें रूम ही नहीं मिले आगे, रोक के पूछूँ क्या दिक्कत है। चलो कोई नहीं, जो भी दिक्कत होगी होगी, सबको ये हमें क्या है। चलो खड़े हैं आराम से, पूरा दिन खराब करना है। 11:05 हो चुके हैं गाइस। तो गाइस सामने देखो खतरनाक, इधर से दिखाओ गाइस, यहाँ से देख सकते हो तुम बिल्कुल अल्टीमेट व्यू। और भाई साहब वो जाम, ट्रैफिक कम से कम ट्रैफिक जाम है 20-30 किलोमीटर के आसपास का, 20 किलोमीटर के आसपास का ट्रैफिक है अभी। सब सिनो के लिए जा रहे हैं और देखो कहां तक हम पहुंचेंगे सिनो फॉल में। ये देखना खतरनाक सिनो फॉल, टनल पे सिनो फॉल हो रही है, हम थोड़ी सी लेट हो गए। सुबह उठ के हम निकल जाते ना तो हमें ट्रैफिक से बच के अटल टनल आराम से पहुंच जाते, बट ये बॉर्डरिंग दे रहा है उन्हें, साइड में खड़ी कर रखी है ना उन्होंने गाड़ी, तो उसकी वजह से निकलने की जगह कम है। तो भाई व्यू अल्टीमेट व्यू है भाई, खतरनाक व्यू आ रहा है, एक नंबर व्यू जिसे कहते हैं। चेंजेस है, हमने अपनी गाड़ी रिटर्न ले ली है, यू टर्न लेके वापस जा रहे हैं मनाली, क्योंकि मनाली इसलिए जा रहे हैं सोलांग वैली तक बंदों को जाने दे रहे हैं गाड़ियों को, क्योंकि अटल टनल कर दिए बंद, स्नोफॉल हो रही है ऊपर, तो हमें वापस आना पड़ता। वो ट्रैफिक 19 किलोमीटर के आसपास ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, जाम ही जाम है, मतलब हमें शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते ही, और फिर उधर से आने में दिक्कत होगी। तो हमने क्या प्लान बनाया, हम कल आएंगे अपनी बाइक रेंट पर लेते हैं एक बाइक, बुलेट कोई बुलेट लेंगे या कोई सी स्कूटी वगैरह जो भी लेंगे, बाइक रेंट पर लेने के बाद
हम आएंगे बाइकों से, क्योंकि बाइक तो सीधे चली जाएंगी ऊपर तक, जा रही हैं, पर बाबा गाड़ी नहीं जाने दे रहा है, गाड़ी को तो नहीं जा पा रहा है गाड़ी, और जाम इतना ज्यादा है गाड़ी को, दो बहुत टाइम खराब हो जाएगा हमारा, क्या पता हमें मनाली में स्नोफॉल मिल जाए अंदर। तो अब हम चल रहे हैं मनाली और वहां चल के चलेंगे माल रोड पर, आराम से माल रोड पर घूमेंगे गाइस। चलो बस चलते हैं और माल रोड पर आपसे मिलते हैं, होटल अपने स्टे करते हैं होटल में सीधे चल के। सोलांग वैली तक, मनाली से सोलांग वैली तक कम से कम 15-16 किलोमीटर का प्योर जाम, फुल जाम। तो हम सोच रहे हैं हम सुबह सोलांग वैली चलेंगे और अब हम दोनों घुमाते हैं मनाली की माल रोड, और चलो भाई चलते हैं मनाली में माल रोड पर घूमने और देखते हैं कैसा हो भाई। कुछ ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है, तो भाई देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है और कितना ज़्यादा मॉडिफाई कर रखा है माल रोड को। सॉरी ये देखो कितनी भीड़ है गाइस, कितनी भीड़ है। तो यहाँ से ये माल रोड स्टार्ट होती है गाइस, ये देखो, और आधे किलोमीटर की माल रोड होगी ये, मैं आपको पूरी माल रोड दिखाता हूँ, ये फास्ट होगा, बस आप माल रोड चेक करना। और यहाँ भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और टाइम हो रहा है 3:15, तो ये यहाँ कोई फंक्शन चल रहा है, ये मेरे को भी नहीं पता किस चीज़ का फंक्शन है बट चल रहा है। तो यहाँ पे हम एक रील बनाएंगे और वो आप चेकआउट करना हमारे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके हमारा इंस्टाग्राम लिंक, तो गाइस जाके आप इंस्टाग्राम हमारा फॉलो करो, और आपको वहाँ पे हर जगह के जहाँ जहाँ भूलते हैं सब जगह के, एक मिनट ही बताऊँगा। का रोडवेज मतलब बस स्टैंड, यहाँ पर रोडवेज मिलती है, कहीं भी जाना है आपको तो यहाँ से HRTC बस है, HRTC बस स्टैंड मनाली गदर। और ये भी इधर मार्केट है, हाँ भाई हर तरफ मार्केट ही मार्केट है, जिधर आपका मन करे उधर जाओ। और इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हर चीज़ है, कोई लिमिट ही नहीं है कॉस्टली की। गोलगप्पे वाले भैये गोलगप्पे खिला दे। Here we go. ये है माल लोड का एंड, जस्ट 50 मीटर के आसपास में आप माल लोड एंड हो जाएगा। ये देखो, ये देखो माल लोड का एंड, और यहाँ भी डिस्को चल रहा है। ये है चौराया यहाँ का, मतलब यहाँ से गाड़ी वगैरह आती हैं जाती हैं। इधर आ,
तो ये है लास्ट, ये लास्ट समझ लो, इधर से शुरुआत है या उधर से एंड है ये आप देख लो। हाँ तो बस ये माल रोड का यहाँ एंड है, ये है माल रोड। और यहाँ CM जो आए हैं उनके लिए पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता, यहाँ आज CM आए हुए हैं। तो यहाँ पे बार रेस्टोरेंट वगैरह सब चीज़ें, तो गाइस यहाँ पे एक हेलीपैड भी है, बट गाइस यहाँ पे एक हेलीपैड भी है बट हम हेलीपैड पे ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, समझो गाइस आप सभी को पता ही है। तो अब यहाँ से हम थोड़े नीचे निकलते हैं, और ये माल रोड आप सबने देख ली थोड़ी सी आगे, ये लोकल मार्केट है। एक मिनट में आपको मनाली की लोकल मार्केट भी दिखाता हूँ चल के। एक लोकल मार्केट है मनाली की, वहाँ पे जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि छोटे मोटी चीज़ें जैसे जैकेट वगैरह सेल जो लगती है वो वहाँ पे लगती है, आपको दिखाते हैं हम चल के जो सेल लगी हुई है, पता नहीं बट लगी हुई है नहीं लगी हुई, ओ लगी हुई है, ये देखो भाई सामने सेल लगी हुई है, ये चलते हैं चलो। ये है सेल, समझ लो सेल है ये सब सामने, ये देखो गाइस ये देखो जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति, ये पता नहीं कोई फंक्शन चल रहा है, चक दे इंडिया PMG के आने की खुशी में ये डेकोरेशन सब की चल रही है यहाँ पे। तो गाइस ये जो ड्रेस है ये पहाड़ी ड्रेस है, मनाली की अपनी फेमस ड्रेस है। देखिए माल रोड आप देख सकते हो कितनी बड़ी माल रोड है, बस यही माल रोड है। तो यहाँ सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, जो तेरी देखी मिक्स सुना रहा है क्या, मिक्स है मुझको मेरे यारो समझना मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। तो गाइस एक नंबर जूस है कहते जो है मजा आ रहा है जूस में, बस